तो गाइस जैसा कि आपने अभी एक डेमो वीडियो देखा, ठीक ऐसे हादसे हो जाते हैं अगर किसी के घर का जो पाइप होता है पानी का पाइप वो किसी ऐसी जगह पर पहुंचा होता है जहां से कोई भी सांप जो बिच्छू होते हैं वो इन्हीं के अंदर से चले आते हैं और कुछ इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पीवीसी पाइप होता है उससे मैं आपको एक ऐसा पाइप बना के दिखाऊंगा जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी यहाँ पर सर्किट वगैरह ऐसा कुछ भी फिट नहीं करना होगा, सिर्फ पीवीसी पाइप की मदद से आप इस जो पाइप होता है उसे बना सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने को मिल सके। तो यहाँ पर हमने एक 2.5 इंची वाला पीवीसी पाइप ले लिया है, आप अपने पाइप के हिसाब का पाइप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का एक और पाइप लेके ऊपर का एक कवर बना लिया है, लेकिन इस कवर को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो पीवीसी पाइप के अंदर यहाँ पर नीचे की साइड में बिल्कुल चला जाए। और यहाँ पर मैंने एक और पाइप का यहाँ पर पीस ले लिया और उसे मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो बड़ा वाला पाइप है उसमें भी मैं यहाँ पर कटिंग करूँगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये ऊपर नीचे मूव हो सके, जैसे कि पानी का प्रेशर ऊपर की साइड में आए तो यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे दरवाजे जैसा ऊपर की साइड में हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कुछ पीस लेके इसके ऊपर सेट करूँगा, कुछ इस तरीके जो कैप है उसमें हम यहाँ पर इसे लगाएंगे। दूसरे वाले पाइप को भी हम कुछ इस तरीके सेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसकी फिटिंग कर लेनी है, आप इसमें जो नट होते हैं या स्क्रू भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ताकि यहाँ से निकले ना, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल मजबूती से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रू यहाँ पर लगा देता हूँ, आप इसमें जो हॉट ग्लू होता है वो लगाएंगे तो भी यहाँ पर निकल जाएगा, इंस्टा ग्लू भी यहाँ पानी के वजह से छूट जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो स्क्रू लगा लिए, इसके बाद मैंने एक पेन का पीस ले लिया है और इसे हम कुछ इस तरीके से ग्लू की वजह से सेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें जो नेल होती है यहाँ पर कील का टुकड़ा यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लोहे की रॉड कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो पीवीसी पाइप बनवा लिए उसके बीच में आपको लगा देना है, आप ड्रिल से छेद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके नीचे भी एक पीस लगा दिया है ताकि यहाँ पे नीचे की साइड से खुले ना और यहाँ पे ज़्यादा नीचे की साइड में जाए ना। तो यहाँ पर ये पानी के प्रेशर से पूरा यहाँ पर ऊपर की साइड में खुल जाया करेगा, इसलिए मैंने नीचे का यहाँ पर पीस लगाया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूव होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है और आपको इसे क्यों बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे लगो सेट कर दिया। चलिए मैं आपको जो पानी का पाइप होता है उसमें मैं यहाँ पे से लगा देता हूँ और आपको फाइनली चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कितना सक्सेसफुल गैजेट है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो पानी का प्रेशर है वो यहाँ पे आ रहा है, तो पाइप ऊपर की साइड में बिल्कुल यहाँ पर खुल रहा है और जैसे जैसे प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ पर जो इसका ढक्कन है वो ऊपर यहाँ पर लग जा रहा है ऑटोमेटिक। तो कुछ लोग सोचे हैं कि हम इसके ऊपर जाली लगा लेंगे, लेकिन जाली यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि जाली के अंदर यहाँ पर कूड़ा अटक सकता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद आप यहाँ पर इसे बंद भी कर सकते हैं और कूड़ा अगर अटक भी जाए तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने को मिल सके और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।